नमस्कार दोस्तों, बीपीटी ब्यूरो बीपीओ इन 2023, ये आपका सेकेंड पार्ट को आपका स्वागत है। सेकेंड पार्ट, आशा करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए। और बीपीटी ब्यूरो बीपीओ मैंने इससे पहले भी और दो बड़े वीडियोस बनाए हुए हैं, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट को छोड़कर उससे भी देखिए। तो ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या क्या स्कोप है ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात तो सेकेंड पार्ट में पहला है आपका बीपीटी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। मतलब अभी हम बीपीटी पास करने के बाद हम क्या कर रहे हैं और मेरे सब दोस्त क्या कर रहे हैं, उसके बारे में एक वीडियो है, आप उसको जाकर देखिए। उसके बाद दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के बाद मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाके देखिए। और आप बीपीओ करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर जाके तीनों कोर्स को देखिए। मतलब आफ्टर बीपीटी ब्यूरो बीपीओ क्या कर सकते हैं और आपको एक और एक आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता दूँ, अभी बीपीटी करने के बाद आप हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट में आप कन्वर्ट होंगे। तो हॉस्पिटल में बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, उसके बाद बड़े बड़े रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स में आपको एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल राउरकेला स्टील प्लांट में भी फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट में क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट में पहले आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आपको पोस्टिंग मिल सकता है। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर PHC, जिसको PHC ये था, ये CHC बोलते हैं, CHC। उसके बाद दोस्तों DHH मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, यहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है। गवर्नमेंट में ये सब स्कोप है। उसके बाद दोस्तों जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं ब्लाइंड्स, जो स्पेशल स्कूल होते हैं ना स्पेशल किड्स के लिए, उन वहाँ पे भी स्पेशल एजुकेटर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट में आप क्लिनिक कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक कर सकते हैं या फिर और दूसरे का क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप NGO में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों क्या स्कोप है, तो दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ NGO को, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है और ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, इसलिए दोस्तों आप प्रेफर पहले कीजिए NGO। या फिर आपको अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना है तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सच्ची बात है। पहले जब पास करेंगे कुछ साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ पे क्यों स्ट्रगल करना पड़ेगा ये मैं भी बताऊँगा। और कितना सैलरीज मिलेगा मैंने डिस्कशन किया था पिछले वीडियोस में, 10,000 से लेकर आपका 5 लाख तक का सैलरी होता है। 10,000 किस लिए, मतलब कुछ हॉस्पिटल्स मैंने बोला था कि काउंसिल नहीं था, इसलिए वजह से कोई हमारा फिक्स कुछ गाइडलाइंस नहीं, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ हॉस्पिटल्स, जो क्या करते हैं देखते हैं नए नए फ्रेशर्स बच्चे आए हैं, उनको जानबूझकर उनको कराते हैं नौकरी 10,000 में। एकेडमिक का बात अलग है, मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया एकेडमिक, मैं कोई दूसरा वीडियो में एकेडमिक के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे अभी एकेडमिक को छोड़ देते हैं। तो बीपीटी 10,000 से लेकर, मतलब कुछ जगह 10,000, गवर्नमेंट में भी कुछ जगह एक, हाँ यह पर और मैंने एक छोड़ दिया अभी, आयुष के द्वारा जो होता है क्या उसको बोलते हैं, अब आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला है, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहाँ पे भी, और दोस्तों यहाँ पे भी कुछ बच्चों को 12,000 में उनको जॉब कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का पोस्ट है पर 12,000 में वो नौकरी कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट का पोस्ट है इसलिए वो कर रहे हैं। कई कई जगह 26,000 दे रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस में, तो ये वैरी करता है।
12,000 से लेकर 26,000 के अंदर आपको मिल सकता है। पीएससी का बात करूं तो दोस्तों पीएससी गवर्नमेंट में आपका, मुझे जितना आइडिया है पूरी में पीएससी, वहां पे जो सीनियर्स हैं उनको हफ्ते में 2 दिन उनका रहता है, 2 दिन रहता है ड्यूटी, 1 दिन 2 दिन, हाँ 2 दिन या 4 दिन ड्यूटी रहता है, 2 दिन शायद मतलब वही पीएससी में, और 2 दिन आपका फील्ड विजिट में रहता है। फील्ड विजिट मतलब होम विजिट भी बोल सकते हैं उसको। और इसका, और आपने जितना पेशेंट देखा आपको एक बनाना पड़ता है लिस्ट, और उसको जाके डीएचएस में आप कहाँ कहीं पे देते हैं, उसके बाद वो एक अमाउंट देते हैं, और हर पर डे का वो 500 देते हैं, 500। तो सोच सकते हैं ये कितना कम है, 2 दिन हफ्ते में जाएंगे, 2 दिन नहीं शायद होता है, 1 दिन वहाँ पे सेंटर में, 1 दिन ऐसा कुछ होता है, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर डे 500 ही श्योर है, 500 ही मिलता है सर। तो सोचिए पर डे 500 मिलता है, तो अगर दोस्तों एक हफ्ते में अगर 4 दिन ड्यूटी है तो कितना हुआ, 2,000 रुपीज़ मतलब महीने में शायद 8,000, मतलब घूम फिर के वही यहीं पर ही आ गए 10,000। इससे तो अच्छा पीएससी से अच्छा तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, यहाँ पर 12,000 दे रहे हैं, अभी शायद बढ़ा होगा पीएससी में। सीएससी के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कोई पोस्ट ऐसा देखा नहीं है सीएससी में, पर होता है। डीएचएस में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं, डीएचएस में आपको कितना मिलेगा, डीएचएस में आपको 30,000 से लेकर 35,000 48,000 तक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट है, पहले कोई आपने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया, पहले जाइए एनजीओ में या फिर कोई भी हॉस्पिटल में, कहाँ भी जाइए, एनजीओ बेस्ट रहता है। एनजीओ में जाके 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस कर लीजिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कर लिए उसके बाद आप यहाँ पे आइए डीएचएस में। तो डीएचएस में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आपको पास करना पड़ता है, वो एमसीक्यूज होते हैं, पास करके आप इतने रुपीज़ का नौकरी कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये जो पोस्ट दे रहे हैं ये सब एनएचएम के अंडर दे रहे हैं, एनएचएम में कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब आप समझते ही होंगे शायद, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब आपका परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। और ऑब्वियसली हेल्थ का चीज़ है, ये बंद तो नहीं होगा पर बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बोलते हैं ना एक गवर्नमेंट नौकरी करना चाहिए, पर गवर्नमेंट का ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो क्या फ़ायदा, फिर भी गवर्नमेंट नौकरी तो गवर्नमेंट नौकरी, इसलिए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो इतना आपको मिल रहा है अभी, ये था गवर्नमेंट का चीज़। प्राइवेट ने से बोला 10,000 से लेकर वैरी करता है 5 लाख तक, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था। एनजीओस में वही 18,000 से लेकर 15, 18, 25 यहाँ तक है। मुझे एक ऑफ़र आया था, कई सारे ऑफ़र आए थे, एक ऑफ़र आया था 25,000 विथ एकोमोडेशन, पर मैंने वो मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा मूड नहीं था, मतलब मुझे एक बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं 15,000, 18,000, 25,000 मुझे भी आए हैं विथ एकोमोडेशन, विदाउट एकोमोडेशन, ये भी आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि अगर एकोमोडेशन विथ एकोमोडेशन होगा तो आपका 25,000 रुपीज़ आपको ही होगा, मतलब अगर विदाउट एकोमोडेशन होगा तो आपको वहाँ पे एक भाड़ा देना पड़ेगा 5,000 का, अगर तो क्या होगा 20,000 ही हो गया ना। तो हमेशा देखिए कौन सा एनजीओ बेस्ट दे रहा है, कैसे करेंगे पूछेंगे आप एकोमोडेशन देंगे या नहीं देंगे, ये दूसरा चीज़ था। और एनजीओ का तो मैंने बोला 5 आवर्स के अराउंड काम रहता है, दिन में ही काम रहता है। प्रोजेक्ट्स आते हैं एनजीओस में, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको पेशेंट आते हैं, उसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये था बीपीटी के बारे में, आपको एक आइडिया हो गया होगा, मतलब ये जो मैंने बोला एक मेन एरिया है जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद काम करेंगे। इन सब को छोड़ने के बाद आपका रहता है प्राइवेट पेशेंट। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस कॉलेज में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया हूँ, पर मैं
रात को जाता हूँ प्राइवेट पेशेंट देखने, क्योंकि मैं तो दूसरा बात है, मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा, अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इन सब को छोड़ के आपका प्राइवेट पेशेंट देखते हैं, और पैसा प्राइवेट पेशेंट से आता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था पिछले वीडियोस में पर डे आप 300-500 जो चार्ज करेंगे उसी के हिसाब से। पर यहाँ पे क्या है, एक फिक्स अमाउंट है, पर ये फिक्स अमाउंट नहीं है, इसलिए इन सब के अलावा आपका एक प्राइवेट पेशेंट रहता है। या फिर आप अगर कोई गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिए, कोई गवर्नमेंट पोस्ट आपको मिल गया, नौकरी मिल गया या गवर्नमेंट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ बड़ा मिल गया, उसके बाद आप खुद का एक क्लिनिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट में शायद आपको नहीं करने अलाउ करने नहीं देंगे, पर प्राइवेट में अलाउ करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपका एक प्राइवेट क्लिनिक हो सकता है। और दोस्तों जो पैसा है वो यहीं पे है, बिजनेस पैसा हमेशा बिजनेस के पास होता है। आप जॉब करेंगे तो 10,000 से लेकर मैंने जैसे बोला 5 लाख तक मिल सकता है, पर आप अगर क्लिनिक करेंगे यानी कि बिजनेस सेटअप भी होता है, हो सीधी बात नो बकवास, क्लिनिक करते हैं तो आपका हर महीना, और डिपेंड करता है आपने कितने साल तक एक्सपीरियंस किया है, आपको पेशेंट ट्रीट कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर वो सब भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों क्लिनिक में मैक्सिमम पैसा होता है। माई सीनियर्स माई कॉलिग्स वो अच्छा इनकम कर रहे हैं, कॉलिग्स के बात तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी उनका एक साल ही सिर्फ हुआ है, पर मेरे सीनियर्स अच्छे इनकम कर रहे हैं, 1 लाख का वो पर मंथ, बहुत अच्छी बात है, 2 लाख 3 लाख ऐसे इनकम कर रहे हैं। और आपने अगर कुछ साल एक्सपीरियंस कर लिया और 2-3 क्लिनिक खोल देंगे तो पर महीना एक क्लिनिक में आपका 2 लाख अगर आएगा, तो सोचिए आप अगर और 2 क्लिनिक करते हैं, मैं सिर्फ 2 ही क्लिनिक करते हैं, सो मान लीजिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे आ सकता है पर क्लिनिक आपका जितना पेशेंट रखेंगे, जितना फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने बोला ना ये बिजनेस है, बिजनेस में आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों ये था BPT। उसके बाद दोस्तों BOT को अगर आते हैं, BOT में मैंने आज तक अभी ब्यूटी में शायद एक ही या 2 पोस्ट मैंने गवर्नमेंट में देखा है। मैक्सिमम बच्चे तो साउथ ही जाते हैं, हैदराबाद बेंगलुरु मुंबई वहाँ सब जाते हैं, नौकरी करते हैं BOT पर अच्छा सैलरी। हमें जो स्ट्रगल करना पड़ता है 10,000 से उनका वो नहीं होता है। BOT में 35,000-45,000 ऐसा मिलता है स्टार्टिंग से। यहाँ पे स्टार्टिंग देखिए 10-12, यहाँ पे स्टार्टिंग देखिए 35-45, और BPO में वही स्टार्टिंग आपको 25 कंपनीज में। BPO में बहुत आप लिमिटेड ऑप्शन, BPO करने के बाद आप मतलब सेल्स में जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आप कंपनी में रह के आप क्या बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल लिम्ब सब बनाएंगे। मार्केटिंग में जाके तो मार्केटिंग करके आपको ये उस प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है, उसके हिसाब से वो सैलरीज होते हैं। या फिर आपको खुद का क्लिनिक करते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलते हैं, तो क्लिनिक का पैसा तो आपका ही है। और BOT में आपने कोई प्राइवेट ज्वाइन किया 35,000-45,000, उसके बाद दोस्तों आपका प्राइवेट पेशेंट है। तो यही सब बात था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाया आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों और कुछ अगर रह गया होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में बोलूँगा, अभी मुझे जितना मेरे दिमाग में आया मैंने आपको वही सब बोला है जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों एकेडमी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, और दोस्तों क्यों हमारा प्रोफेशन डिग्रेड हो, मतलब कुछ लोगों के पास BPT बदनाम हो रहा है, उसको भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।